subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो में सब खरे सौंद मज़ेदार रेसिपीज तांजे ला हमेशा खणी इंदा आयो। काफी सुठा वीक भी कया, मैंगो अंबड़ीन वारो वीक भी कयो, हाने मैंगो वीक कयो पे लास्ट वीक मना अची सकम तबियत सही ना हुई ता हिन करे और रिपीट हले वरी प्रोग्राम अज का ठाइंदा सी मैंगो यानी अंब जी काफी सारी रेसिपीज मज़ेदार पूरो वीक ठाइंदा सी। इनमें काफी सारी तांजी फरमाइशो भी जेको पेज ते मां मेंशन भी कयल है। आई एनएक्स सा गडा एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर सब तांजे सामू यूज कंदो है। काफी इजी रहे तो मार्केट में मिले पई है मशीनरी तुम वी सोता सुे 12 बजे रिपीट हलन स्क्रीन से नंबर हल पे का भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछो हो पुछी सोता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं मैंगो वीक कर रहे हैं। लास्ट हमने किया था केरी का वीक किया था, रॉ मैंगो वीक, ये पूरा मैंगो वीक है। बहुत सारी वरायटी आपको कोई फरमाइश करनी हो उसके लिए तो आप कर सकती हैं, अपनी कोई रेसिपी देना चाहें मैंगो की तो वो भी दे सकती हैं पेज पे मुझे, तो वो बना लूँगा मैं यहाँ पे। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। और आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं मैंगो केक, मैंगो जैम और मैंगो कुल्फी, ठीक है। मैंगो जो केक यानी अंब वारो केक ठाहियूं पिया तमामु सुठो बेकिंग कंदासीं ऐं हुन सां गॾु मैंगो जैम ठहे पई ऐं मैंगो कुल्फी। तो भाणे बि 3-4 ईअं डेली 3-4 रेसिपीज़ हूंदियूं अंब जे हिसाब सां किचन में हलूं था रेसिपी कंदासीं स्टार्ट। सभिनी खां पहिरीं असां ठाहींदासीं केक, छाकाणि त केक में असांखे टाइम लॻंदो ऐं बिल्कुलु ईज़ी आहे। हे अंब जो केक आहे, तां जीअं शाम जो चांहि सां गॾु बि ठाहे सघो था, ठीक है, बिल्कुलु ईज़ी है। लॉफ केक बनाएंगे, स्लाइस में आप कटिंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए सारा डिटेल में बताता चाहूँगा और आप नोट करते जाइएगा। और बहुत इजी है, इसमें हमने हैंड बीटर मशीन यूज़ नहीं करती, विस्क यूज़ करना है, ठीक है, फेंटने वाली जो होता है हाथ से उससे आपने सिर्फ फेंट के बनाना है। और इसको ओवन को हम प्रीहीट करते हैं, पहले ओवन के प्रीहीट करता वठूँ। ओवन जो टेम्परेचर रखंदासीं 180, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। और इसकी टाइमिंग आपने रख देनी है 15 मिनट पहले आपने प्री हीट करना है और डबल बर्नर ऑन कर दिया, ठीक है, डबल ग्रिल इंजी ऑन कर छी है 15 मिनट पहरी, ठीक है, 15 मिनट पहरी ओवन के गरम कंदासी। टाइमर इन जो लगाई छो 30 मिनट इन जो जेको आहे वो 30 मिनट इन जो जेको टाइमिंग है बेकिंग जी 15 मिनट पहरी गरम कजो 180 डिग्री ते। अगर गैस वारो ओवन है जेको चुल्हे जे हेठ हुंदो उनके 20 मिंट पहरी तां गरम कंदो, ठीक है, बर्नर ऑन करे छो 20 मिंट पहरी ताकि उनमें हीट थी वने। पतीले में कंदो तो पतीले जो तरीको छ वडो पतीलो खणजो, उनमें लूण जी एकड़ी थैली विछाए छो, उनकी चंगो गरम कजो, लूण जो कलर जडे चेंज थिंदो उन अंदर स्टैंड रखो स्टील जो, उनके मथा जेको भी सांचो होंदो जे में अंब जो यानी केक जो मिक्सचर होंदो वो रखी मथा ढक पतीले के डही और उनके रखंदासी दरमियानी बाहे ते ताकि उनमें बेक थी वने, ठीक है। पतीले का तरीका पूरा बता दूंगा किस तरह करना है। यहाँ पे हमने लेना है 1 कप मेजरमेंट करके पूरा, ये मेजरमेंट कप मैंने रखे हुए, या 1 कप आप वैसे ले लें। हम यहाँ पे लेंगे मैंगो पल्प, ये होगा 1 बड़ा आम या 2 मीडियम साइज़ के आम, इसका आपने पल्प बना लेना, ठीक है। हे मां वधीक ठाहे रखियो आहे ताकि सॼी रेसिपी जन में कयूं। हे ॾिसो 1 कप अंब खयो, ठीक है, ही मेजरमेंट कप ना है त पोइ तव्हां चांहि वारो कप खणी वठिजो, ठीक है। हे सॼो 1 कप विझी छॾियो, 1 कप ये डाल दिया। अब इसमें हमने क्या क्या डालना है, ठीक है, ओवन बेकिंग के लिए मैंने प्रीहीट कर दिया, 2-3 स्पून रख लेते हैं। अब हमने इसमें क्या डालना है, इसमें हमने डालना है पाउडर शुगर, यानी पाउडर शुगर चाहे खंड पीठल, खंड के ग्राइंडर में पीसी वट जो 5 खाइण जा चमचा, 1, 2, 3, 4 ऐं 5, 5 टेबल स्पून भर के पाउडर शुगर डाल दिए, ठीक है। चीनी को आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, 1 कप आपने आम का पल्प लेना है, 5 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छी से मिक्स हो जाए, 2 मिनट आप इसको फेंटते रहें अच्छी तरह, ठीक है। चंगी तरह अंब में जेका वार हुंदा आहिनि, ठीक है, बिल्कुल साफ़ अंब हुजे, अगरि जीअं वार वारो अंब हुजे हुनमें तारूं अचनि पियूं त हुनखे छाणे वठिजो, ठीकु आहे। अगरि तारें आ रही आहिनि आम के अंदरि बाल बि आ रहे होते हैं, वो इस तरह के बि आम होते हैं, तो उसको आपने जूसर ब्लेंडर में डाल के पीसिस पेस्ट बना लें और फिर उसको छान लें। अगर नॉर्मल सादा आम है तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर लें, ठीक है। पाउडर शुगर डाली 5 खाने के चम्मच, अच्छी तरह इसको करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, 1, 2 और ये
तीन खाने के चम्मच पूरा नाप के हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया, ठीक है। एक कप आम का पल्प गूदा, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है आपने, पानी के बगैर करना है, ठीक है, इसमें पानी नहीं डालना, छोटे छोटे पीस करके जूसर मशीन में पेस्ट बना लिया। पाँच खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी, तीन खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है। हाँ, इनमें विझंदासी असा छा, इनमें विझंदासी सूजी, सूजी घणी विंदी इनमें पंज खाने जा चमचा सूजी डालेंगे, पाँच खाने के चम्मच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब इसको मिक्स करने से पहले एक काम करना है, हाफ कप दूध है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम डालेंगे एक खाने का चम्मच लेमन का जूस, दूध थोड़ा फट जाएगा वो हमने इसमें मिक्स करना है, बहुत मज़े का केक बनेगा, इसी तरह आपने बनाना है, ठीक है। एक खाने का चम्मच लेमन का जूस आधा कप दूध में डाल के मिला देना है, एक खाने जो चमचो लीमे जो रस अध कप खीर में मिलाए छो, इनके बटर मिंट छी वो दो तीन मिनट आप छोड़ेंगे, ठीक है, कर्ट सा बनना शुरू हो जाएगा थोड़ा इसके अंदर, अच्छी तरह मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, पहले सूजी पाँच खाने के चम्मच मिक्स करते जाएं, इलायची का पाउडर एक चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर एक चाय का चम्मच, एक चाय जो चमचो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इजीली मिली तो नहीं, ठीक है, बेकिंग पाउडर एक चाय का चम्मच, इलायची का पाउडर एक चाय का चम्मच, इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें। कॉल बटू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अल्लाह जो शुक्र, अल्लाह जो शुक्र है, तव बुधायो छा हलनि? अदी लास्ट वीक मां असल में लाइव कोन हुस, रिपीट हलियो पे, हिन करे कॉल्स कोन वरती हूं, रिपीट हलियो पे प्रोग्राम, ठीक है। अदर साने कथाएं टीवी खराब थी वे अमन मना थी वे। अच्छा, हाने सही है टीवी? ना हां तो सही गाने खबर खाने तमाम छा पे खायो दिया। मैंगो वीक हले पियो, आई अज का मैंगो जी रेसिपीज इन कुल्फी ठायूं पे अंब जी, ठीक है, उन सा अंब जो केक, अंब जो केक ठाए पियो, आई जैम जैम ठाए पई, ठीक है, जैम जेली जे का होंदी वो भी मैंगो ठायो पिया। हेलो, मेहरबानी, पांजो खोड़ सारो ख्याल रखो, ठीक है दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छी तरह मिक्स किया, अब इसमें डालेंगे हम ये है मैंगो एसेंस, ठीक है, एक मिलता है वनीला एसेंस, वनीला एसेंस है तो वो डाल दें, वरना मार्केट में डिपार्टमेंट स्टोर में मैंगो एसेंस मिलता है मैंगो फ्लेवर के लिए, आजकल हर फ्लेवर का एसेंस आता है, ये डालेंगे एक चाय का चम्मच, एक चाय जो चमचो मैंगो एसेंस विंदो, वनीला एसेंस भी छो अगर मैंगो एसेंस ना है, ठीक है, इससे खुशबू, अभी मैंने खोला है तो इतना अच्छा इसमें से अरोमा आ रहा है मैंगो का। अब ये मिक्स किया, अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मिल्क हाफ कप, यानी पाँच खाने के चम्मच पाउडर मिल्क, एक दो तीन चार और ये पाँच, पूरा मेजरमेंट करके रखा हुआ था, पंज खाने जा चमचा पाउडर मिल्क, यानी खीर जो हों पाउडर वारो वो विझी छंदासीं, ठीक है, वरी इनके मिक्स कंदो, अच्छी तरह मिक्स करते जाएं इसको। अब हम इसमें जो दूध में लेमन मिला के रखा था ये थोड़ा सा कर्ड सा बन गया है, थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ना है, हाफ कप दूध में एक खाने का चम्मच लेमन जूस, हाँ थोड़ो थोड़ो करें ज़्यादा मिक्स करना से, ठीक है, हाफ अध कप खीर उनमें लीमे जो रस विझी छो, हाँ सजो मिक्स थी, अच्छी तरह इसको मिक्स करें। अब हमने क्या करना है, जिस कंटेनर में हमने इसको डालना है वो लेते हैं, अच्छा ये डिस्पोजिबल भी मिल जाते हैं या जो आपके पास हो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, मोर डिस्पोजिबल आए डबल आए एक सिंगल खड़ी था, ठीक है, डिस्पोजिबल ही मिली था अड़ा वी रखो न तो सिल्वर जो कोई भी तुम सांचो हो जैमें तुम बेकिंग कहो उनमें भी छो, ठीक है, ये अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, इसके बाद ही पूरा निकाल देंगे हम इसमें मोल्ड में, ठीक है, ये हमारा केक का मिक्सचर हो गया तैयार,
इसकी रेसिपी पूरी रिपीट कराता हूँ जिन्होंने अभी टीवी खोली हो। मैंगो वीक स्टार्ट हुआ है आज से, मैंगो रेसिपीज़ हैं आज बना रहे हैं, मैंगो केक, मैंगो कुल्फ़ी और मैंगो जैम। ठीक है, मैंगो वीक कयूं पे अंब जो इन लाइ मैंगो जैम ठह पई, मैंगो केक ठह पियो। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह आपने इस तरह सेट करना है। देखिए इस तरह करने से क्या होगा, इसमें जो एयर होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह घुमाते जाएं और ये तीन चार दफ़ा करने के बाद अब इसको हम करेंगे प्री हीटेड ओवन में, अंदर रख देंगे सेंटर में। ओवन 15 मिनट पहले ही गर्म थे हो। ठीक है, हेमा सेंटर में रखा पे हो, बिल्कुल 180 डिग्री ते इनके गर्म कयो है। और जो टाइमर जो है 25 मिनट जो मैं लगाया पे हो, छो 30 का 25 मिनट में तैयार थी दो। मैंने 40 रखा है, 30 मिनट में इसको चेक करेंगे। और डबल ग्रिल ऑन कर दी है मैंने, किसके साथ, फैन के साथ। ठीक है, मैं फैन लगा है, फैन के साथ ऑन कर दी है, अगर फैन ना है तो मुझे बगैर भी थी दो। पूरी रेसिपी रिपीट कराया पे हो, छाछ इनमें वही हुआ है, मैंगो केक ठहे पे हो, बिल्कुल ईजी आ। एक कप अंब जो पेस्ट ठाई छो, जूसर मशीन में भेजी, उनके प्याले में भेजी जो पहली कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बोल रही हूँ, मिसेस इरशाद। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी बस इसके हालात में भी आप आ रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है, आप हमारे लिए तकलीफ करके आ रहे हैं। तकलीफ तो खैर नहीं करके आता हूँ, मैं बिल्कुल ईजी आ रहा हूँ, बस तबीयत सही नहीं थी लास्ट वीक इसलिए नहीं आ सका था, लेकिन इंशाल्लाह अब कंटिन्यू आपके साथ लाइव हूँ। ठीक है, कोई फरमाइश करनी, कुछ पूछना है? जी भाई, वो आपने कहा था कोई ऐसे करेंगे जिसमें हम लोग केक और बेकरी वगैरह करेंगे। दोबारा बोलिएगा, केक वगैरह बनाएंगे आपने कहा था, कोई वीक ऐसा करेंगे, क्या बनाएंगे? केक अभी बन रहा है ना, आप देखें आज भी केक बना रहा हूँ, मैंगो केक बना रहा हूँ। अच्छा, मैंगो केक हमारी लाइफ में है ना, इसलिए मैंने फोन किया था, मैंने कहा आज सुबह 12 बजे रिपीट में देख लीजिएगा। ठीक है जी जी, आप मैंगो केक बना रहे हैं? जी मैंगो केक बन रहा है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, जरूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। आइसक्रीम क्या बना है, मैंगो आइसक्रीम? आज बन रही है मैंगो कुल्फी और परसों बनाऊंगा मैंगो आइसक्रीम, हफ्ते वाले दिन। अच्छा, आज तो अच्छा है फिर तो। हाँ, आप मेरे पेज पे देख लीजिएगा, कुकिंग विद शेफ फैसल है, वहाँ पे रेसिपी अपलोड हो जाएगी आज। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैंगो पल्प लेना है 1 कप। ठीक है, उसमें 3 खाने के चम्मच हमने डालना है कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो यूज करते हैं, 5 खाने के चम्मच पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चीनी और ऑयल आम में मिक्स हो जाए। उसके बाद 5 खाने के चम्मच आपने डालना है सूजी, 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। ठीक है, पाउडर मिल्क डाल दिया था मैंने, यानी दूध जो पाउडर वाला होता है वो 5 खाने के चम्मच। इनको सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मैंगो एसेंस डाला 1 चाय का चम्मच या वनीला एसेंस डाल दें 1 चाय का चम्मच, और बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला, फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 1/2 कप दूध में 1 खाने का चम्मच लेमन जूस मिला के 5 मिनट रखें, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मोल्ड में डाल के 180 डिग्री पे प्री हीटेड 15 मिनट पहले ओवन प्री हीट करके उसको आपने 30 से 35 मिनट बेक करना है, फिर चेक करेंगे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, इस वजह से मैं आ नहीं सका था, लेकिन इंशाल्लाह आज से कंटिन्यू लाइव हूँ आपके साथ। जी, ओके, आज देख के ना बड़ा अच्छा लगा कि आप बिल्कुल फ्रेश, बेहतरीन सही तरीके से आगे जी बिल्कुल। और आप कैसी हैं, घर में सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, सब खैरियत से। और अभी तक मैं दरअसल आपको यही मैंगो का जो आप केक बना रहे हैं इसको देखने में इतने मसरूफ थे, इतना जबरदस्त इंग्रेडिएंट जब तक सही तरीके से लिखा ना जाए चीज अच्छी नहीं बनती ना। नहीं बनती बिल्कुल, तो वो मैं देख रही थी, मैंने उसको लिखा, नोट किया, अब मैंने कहा पहले कॉल कर लूं। बिल्कुल, थैंक यू, और इसको नोट कीजिएगा, बहुत मजे का बनेगा, इसमें सूजी भी डाली हुई है, थोड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा ना खाने में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, रेसिपी रिपीट कराया पे, 1 कप अंब जो पल्प खंड जो यानी गूदो करे जो पेस्ट करे वो विझी जो प्याले में, उनमें 3 खंड जा चम्मच ऑयल, 5 खंड जा चम्मच पीठल खंड विझी, 2 मिंट तक चंगी तरह मिक्स कजो, उन नंढे फोटन जो पाउडर छिलका हटाई, पाउडर 1 चाय जो चम्मच विझी जो, मैंगो एसेंस या वनीला एसेंस 1 चाय जो चम्मच विझो, कोशिश कजो मैंगो एसेंस मिली वेंदो आहे। ठीक है, उनका पो बेकिंग पाउडर विझंदो 1 चाय जो चम्मच, वरी चंगी तरह मिक्स कजो, 5 खंड जा चम्मच इनमें विझंदो सूजी,
पंज खंड जा चमचा पाउडर वारो खीर विझंदो। वरी उनके चंगी तरह मिक्स कजो। अध कप खीर में एक खंड जो चमचो लीमे जो रस मिलाए पंज मिंट छजो। वो खीर थोड़ो थोड़ो करे मिक्स करे चंगी तरह मिक्स करने का पो सांचे में विझी इनके बेक करे छंदासी। कॉल वठो ता अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इनके बेकिंग कंदो ओवन में कयो पया ता 180 डिग्री ते कजो। अगर ओवन ना है पतीले में क्यों पे वड़ो पतीलो खड़ो उनमें लून जी थैली कड़ी विचाई छो। खोले लून विचाई छो, 5-10 मिनट गर्म कजो। ढक दे पतीले के उनमें स्टैंड रख जो। जे सांचे में ता अंब जो मिक्सचर विधो है यानी केक जो मिक्सचर ओवन के अंदर रख जो स्टैंड के मथा। वरी पतीले के ढक दे छो, मथा को वजन रखी छो। मीडियम बाहे ते, इलाही तेज भी ना हो इलाही हल्की भी ना हो, मीडियम बाहे ते उनके पचन दिजो। बेक थींदो रहंदो विच में 15-20 मिंट का पो। छुरी जी नोक सा उनके चेक कजो। अगर मिक्सचर आलो आए तो उनके मजीद छो। जडे 2-3 दफा ये अध कलाक थी वेंदो 25 मिंट का पो वरी चेक। बार बार न खोल जो, 15 मिंट का पो चेक कजो। वरी चेक कंदो छुरी जी नोक विझी तो उनका अगर खुश्क अचे पई तो केक तैयार है। अगर आली अचे पई तो वरी उनके छड़ी वठजो। ठीक है, कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला, आप कैसी हैं? आप क्या ये मैंगो भी बना रहे हैं? जी, मैंगो वीक आज से स्टार्ट किया है। अच्छा, जी रिपीट पे देखो, मिस करेंगे मिस हो गया तो। और बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू वेरी मच। रिपीट में देख लीजिएगा 12 बजे। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंगो जैम बनाना है। ठीक है, मैंगो जैम के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा इसको कम करता हूँ, चूल्हा बहुत तेज हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक जो टाइम थी हुआ, ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ओवन में हमारा केक बेक हो रहा है। ठीक है, केक बेकिंग ते लगाया हो, ब्रेक ते अनुते ब्रेक का पहुंची ऐसा मैंगो जैम ठाईदा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते उनका पहले तां सामू जेको बेकिंग थे पे उनमें केक ठाए पे आ हते असा ठायूं पे मैंगो जैम। ठीक है, अब हम बनाएंगे मैंगो जैम, जिसके लिए हमने लेनी है चीनी पूरी 1 कप नाप के। ठीक है, 1 कप चीनी है और 1/4 कप हमने इसमें लेना है पानी। ठीक है, यानी 1/4 कप असा पानी खणंदासी, 1 कप जो 1/4 हिस्सो। ठीक है, 1/4 कप, 1/4 कप चाहिए वो, 1/4 कप पानी लिया, 1 कप आपने चीनी ली। ठीक है, अब इसको पकाएंगे। ये हमारा बन रही है मैंगो जैम। इसको इतना आपने घुमाना है कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और बबल्स बनना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बन रहा है मैंगो जैम। इसमें हमने क्या क्या डाला, 1/4 कप पानी और 1 कप चीनी। ठीक है, 1/4 कप पानी, पानी यानी 1/4 कप पानी, 1 कप जो 1/4 हिस्सो पानी, और उनमें मां खंड विधी है 1 कप। इनके चंगी तरह मिक्स कयो ताकि खंड जेका है सफा मेल्ट थी वने। ठीक है, अभी चीनी जब मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के मैंगो पल्प। अच्छा, ये बनेगी 2 कप जितनी, यानी जो एक जैम की बॉटल होती है। गैस का कोई इशू आ रहा है, बार बार बंद पे ही थी। ठीक है, ये हम जो बना रहे हैं एक जो पूरा जैम का जार होता है उस क्वांटिटी में बनेगी। अगर आप उससे ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये आप डबल करके बनाएंगे। इनमें कोई इशू अच्छे पे तो मां होना कर सकता। ठीक है, मैंने चूल्हा चेंज कर दिया, लेकिन अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म होगा इसमें 1 कप हम मैंगो का पल्प डालेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम जी, कह रहे हैं कि थंग लाया पिया अच्छा कराची में बुलाया पिया जे कुछ चेंज चाहिए दो अच्छा के केक से खा लियो केक ही ठाए पे टीवी जो वॉल्यूम मेहरबानी बंद कर छड़ो नहीं तो तई लाइन ड्रॉप थी विंदी पहले सही सही मेहरबान टीवी जो वॉल्यूम बंद कर छड़ो ओके जी हमेशा जडी भी कॉल कंदा हो मेहरबानी करे टीवी जो वॉल्यूम बंद कंदा कयो पांजी आवाज बुधन ला कॉल ना कंदा कयो छकंदा पर लाइन ड्रॉप थी वने पुठिया सब व्यूअर्स परेशान थिंदा
अच्छा ये हमारी अब इसमें बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। वाइटनेस आ जाएगी, चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, खंड जो दाणो सफ़ा ख़त्म थी वने, जार भी ठही वही है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो पल्प 1 कप, ये आधा कप और ये आधा कप, या 1.5 कप भी कर सकते हैं, मैं 1.5 कप कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 कप करे वट जो वधीक ना विझ जो वो मिठाण उनकी बैलेंस ना थी, ठीक है। ये करने के बाद इसको अब पकाना है, अब मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, और जब आम का पानी ड्राई हो जाएगा, जूस इसमें निकलेगा, वो ड्राई होने लगेगा, बिल्कुल ये ग्लेज बनेगी, तो ये हमारा जैम तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह पकाते रहें मीडियम फ्लेम पे, भी पकती रहेगी। केक को चेक करते हैं, अभी राइजिंग होना शुरू हो गया। अच्छा ये जब आप देखेंगे इसमें बबल्स बनने लगे, अब हम क्या करेंगे, लेमन लेंगे एक, इसका जीस्ट यानी इसकी जो स्किन होती है, ये बारीक वाला जो पोर्शन होता है कद्दूकश करने वाला, जिसे हम लहसुन को भी करते हैं, ये हल्का सा इसमें 1 चाय का चम्मच डालेंगे, यानी इसका छिलका, लीमे जो छिलको विंदो कद्दूकश कंदासी बारीक वारे खा जेंगा थूम कंदा आहिनि, ठीक आहे। हिकु चाय जे चमचे जेतिरो वेंदो, हिन खां फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइव मार्केट से बात कर रही हूं किरण जी। वो मार्केट से बात कर रही हूं जी। जी कैसी हैं, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है जी। कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैंगो आइसक्रीम बनाने में ना दूध नहीं डालते। मैंगो आइसक्रीम बनाने में दूध नहीं डालते, क्या मतलब? मतलब घरेलू क्रीम डलती है, और मैंगो ये मैं बनाऊंगा परसों, आप देखिएगा मैंगो आइसक्रीम। आज मैंगो नहीं, मैं आज बना रही हूँ। मैंगो कुल्फी बन रही है आज, आप वो देखें। अच्छा मैंने रेसिपी देखी है नेट पे, उसमें दूध नहीं डालते। नहीं डलता दूध, नहीं डलता। अच्छा कंडेंस मिल्क में दूध और कंडेंस मिल्क अभी मैं बनाऊंगा, अगर आप खुद मार्केट से लेना चाह रही हैं या घर का बनाना चाह रही हैं तो मैं बनाऊंगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर में बनाने वाला हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। लेमन के छिलके डाले, बिल्कुल बारीक कद्दूकश करते हैं, जीस्ट करते हैं, उसका जीस्ट होता है ये। और अब हम इसमें लीमू डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच। लीमे जो रस भिजने का मकसद छा है कि ही ख़राब ना थी दो, ठीक है। लेमन जूस डालने का क्या मकसद है कि ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्व रहता है, ठीक है, खटास नहीं आएगी, प्रिजर्व रहेगा। अब इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल ये, और मीडियम फ्लेम पे, कि जब ये गाढ़ा हो जाएगा, जैम बन जाएगा, फिर इसको ठंडा करके जार में भर के रखेंगे। लेकिन जिस बोतल में आपने भर के रखना है शीशे की, उसको स्टरलाइज कर दें, हल्का सा बॉयल कर दें, पानी बॉयल करके उसमें डाल के 2 मिनट बाद निकाल दें, ठंडा करें, टिश्यू से मलमल के कपड़े से पहुँच लें, पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। ये 1 महीने तक आप यूज़ कर सकती हैं, बाहर ना रखें, फ्रिज में रखें, इसको यूज़ करें। अगर ज़्यादा बल्क में बनानी है तो फिर वो आप इसको डबल क्वांटिटी करके बना के फ्रीज कर दें, और सॉरी फ्रिज में रख दें, काफ़ी दिन चलेगी अगर आपकी लाइट ज़्यादा नहीं जाती हो तो, वरना बनाते रहें 15-15 दिन में आपकी बहुत सारी यूज़ करनी आ जाएगी, ठीक है। इनके हाने चंगी तरह घुमाइंदा रहेंदो ताकि अंब जो जो पानी है वो खुश्क थी वने, ठीक है। मैंगो का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, जो जूस निकल रहा है इसको हाफ कवर किया हुआ है मैंने। इसके बाद हम मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे, मैंगो कुल्फ़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। केक को चेक करते रहेंगे बीच बीच में, अभी राइजिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है, 180 डिग्री पे, और कल भी मज़ेदार रेसिपी बनेगी, परसों भी, और ये पूरा वीक है, तकरीबन 12 से 15 रेसिपीज़ हैं मैंगो की इस वीक में। कल हम बनाएंगे मैंगो बर्फ़ी, ठीक है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल दुआएं आपकी, ठीक ठाक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और मैंने कहा बड़े वो से खड़े हुए ना, जैसे उदास उदास से। अच्छा खालिद साहब भी मुझे कह रहे हो मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मैं कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं आप लग रहा है अभी भी आपका जो है ना थोड़ी से पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुए आप। हाँ बस दुआ करें इंशाल्लाह जी। मैंने कहा थकन नहीं उतरी आपकी? नहीं थकन तो नहीं है, लेकिन बस वो बीमार हो गया था तो उस वजह से ना थोड़ा थक जाता है। अच्छा, मैं भी आपको नहीं कर सकी ना कॉल, मैंने प्रोग्राम नहीं देखा इसलिए कि वो अम्मी के लग गई चोट। अच्छा, अभी 2-3 हफ्तों से ना वो गिर गई थी तो उनके टांके आए। ओहो कहाँ पे गिरी है? वो कमरे के अंदर ही, मतलब पैर फिसल गया उनका, कोई था ही नहीं घर पे। अच्छा,
तो वो हॉस्पिटल पड़ोसी लेकर गए थे हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल वालों ने लिया ही नहीं। अच्छा। फिर वो मेरा दिमाग बड़ा वाला है, उसने सोर्स लगवा के जरा फिर करवाया, तो वो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, लेकिन छह टाके बहुत होते हैं उनके, बहुत निकला है। बहुत ख्याल रखिएगा उनका। नहीं मैं वही थी दो दिन अम्मी के घर पे, फिर मैं आ गई थी। अच्छा अच्छा जी, चले मैं जब जाए तो मेरी तरफ से रेसिपी आपका केक जो है ना जो आप बना रहे हैं वो मैं जरूर बनाऊंगी, अच्छा लग रहा है। जरूर बनाइएगा, और जब जाएंगी मेरी तरफ से पूछिएगा और सलाम कहिएगा, ठीक है अम्मी को? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जैम बन रही है, जब इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बबल्स इसके जो होते हैं हाथ पे लगते हैं, स्किन पे लगते हैं, तो अब बर्न होती है स्किन, ठीक है। हल्को कवर कयल अद इनका छा दी, हथ ना सड़न था, कहीं हथ से लगन तो स्किन सड़ी वी, एडो गर्म हों पल पिंजो, इनमें खंड भी है, स्किन लही भी वी, ठीक है। इन कर कवर ये रखो गड, इनके हल्दा रहो, मीडियम का भी सफ़ा हल्की बाहे से करण है इनके, जैम में पा ही शाइनिंग अच्छा शुरू थी खंड के कर, ऐसी जबरदस्त ही जैम तैयार थी वी, जैसे बिल्कुल इनके तक लगन जैम तैयार थी, तरीक़ेकार प्लेट से चेक कंदी वो भी तरीको बुधाएं, तो कॉल भी वूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप ठीक है? कराची से यासमीन बात कर रही हूँ। जी जी हाँ, मैंने ना वो बनाया था कुल्फा, बहुत अच्छा बना था कुल्फा आइसक्रीम, आपने जो उस दिन पूछी थी ना लास्ट वीक से, बहुत अच्छी बनी थी, और गुलाब जामुन देखते वक्त सही नहीं बने। अच्छा, इसी दफा बहुत अच्छे बने। हाँ गुलाब जामुन में ये होता है, जब मैंने भी सीखे थे ना दो तीन दफा मुझसे भी टूटे थे गुलाब जामुन, फिर सही बनना शुरू हो गया था। आज बहुत अच्छे बने थे वो कुल्फा आइसक्रीम, बहुत अच्छी बनी। आज भी देखिएगा मैंगो कुल्फी बनाऊंगा, ये भी बड़ी मजे की बनती है, ये भी ट्राई कीजिएगा। मेरी बेटी भी आपकी बहुत तारीफ करती है, बोलते हैं हर चीज सीखो आप, आपकी चीजें बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल आसान मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह। अच्छा इसको चेक करने का तरीका क्या है, हमने एक स्पून से जैम उठाया, ठीक है, इसको प्लेट पे डाला, प्लेट से विझन दो, ये ड्रॉप विझी छो, इनके प्लेट के सिद्धो कंदो, ऐसो अना इनमें पानी आ है, ठीक है, अभी इसमें ये पानी है, ये अभी पानी आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है ड्रॉप, जब वो जैम की तरह चिपक जाएगा एक जगह पे ठहरा रहेगा तब जैम तैयार होती है, ठीक है, ये इसका तरीक़ेकार होता है, ये तरीक़ेकार हों इनके पचाइयों का। हाँ सही है, फरजाने चाहे भी ताजी गल चाहिए, हंस नहीं रहे। केक हमारा जबरदस्त अभी तैयार हो रहा है, बस तकरीबन इसके टाइमर जो मैंने लगाया हुआ है इसको हो गए 20 मिनट, ठीक है, 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाता है। यहाँ पे टाइमर है, ओवन जो है मेरा फुटाइल का है, फुटाइल का हमारा किचन है, आप फुटाइल का किचन अगर बनवाना चाहती हैं, अपना पूरा किचन डेकोरेट करना चाहती हैं, नया बनाना चाह रहे हैं, तो आप फुटाइल वेबसाइट पे चले जाएं, ज़बरदस्त इनके ये चूल्हा ओवन ये फास्ट टेक्नोलॉजी पे जो चीज़ 40 से 45 मिनट में बेक होती है यहाँ से 25 से 30 मिनट में बेक हो जाती है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी, चूल्हा भी इतना फास्ट है कि आपके सामने मैं एक घंटे में तीन तीन चीज़ें बना जाता हूँ, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए सब इनकी आउटलेट्स हैं, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक दफ़ा हमने इसको चेक किया था, थोड़ी देर और पकेगी ये, फिर उसको दोबारा चेक करेंगे, ठीक है, जब ये आप ड्रॉपिंग इसकी ख़त्म होगी हमारी जैम तैयार हो जाएगी, ठीक है। अना इनके पचन दींदा सी, कवर लगाए रख जो, ये हाँ तैयार पी थी सफ़ा जगह चले पे, साइड्स इनका लाइंदा रहेंगे, ठीक है, साइड्स इसके उतारते रहेगा, उससे क्या होगा कि ये चिपकना ना शुरू हो जाए, सिल्वर के पैन में बनेगा तो ये चिपकने का खतरा होता है, तो आप लोग स्पून बार बार चलाते रहेगा, ये नॉन स्टिक यूज़ करता हूँ तो मैं इसलिए थोड़ा हाथ छोड़ देता हूँ, मुझे इतना वो नहीं होता प्रॉब्लम, और स्पून जब भी डालें कोई गीला स्पून ना हो, ठीक है। कॉल बटूता, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदा नजीर मंत्र गलाया जाम शुरू होगा जी साईं। अदा फैसल फोन गलाया हूं। गलाया पे मां फैसल गलाया पे हो? हां फैसल बा जरा नाम पूछे। अल्लाह जो शुक्र है बिल्कुल दुआओं। अंब जो मुरबो आए इन वीक में तीस जो मैंगो वीक में, ठीक है, ती टीवी जो वॉल्यूम बदल है, टीवी जो वॉल्यूम बंद कयो पे, ॾिसो ताईं लाइन ड्रॉप थी वेंदी ऐं थी बि वई मुंहिंजे खां में, छाकाणि त तव्हां ॿुधी ॻाल्हाईंदा आहियो, हे ग़लति ॻाल्हि आहे, मां हमेशह मना कंदो आहियां, छाकाणि त सभु डिस्टर्ब थींदा आहिनि, आवाज़ु मूंखे समुझ न ईंदी आहे, मूंखे लॻंदो मां तव्हांजे घर में वेठो आहियां, ईअं मूंखे आवाज़ु ईंदी आहे, त इहो न कंदा कयो महिरबानी करे, ठीकु आहे। अच्छा अब हम लेते हैं छुरी
और ओवन में जब भी कोई नाइफ यूज करें, ये मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रिक होते हैं, इसमें स्टील का कभी चम्मच हाथ पे पकड़ के नहीं चेक करना है, कोई सिल्वर का चम्मच, क्योंकि करंट लग सकता है। दस्ता जैसे छुरी का, ये वुडन है मेरे पास, तो वुडन दस्ता या स्कीवर होते हैं लकड़ी के, उससे चेक करें। कभी भी स्टील डायरेक्ट पकड़ के इलेक्ट्रिक ओवन में आपने नहीं यूज़ करना है। कदे भी स्टील जो है डायरेक्ट पकड़े ना कजो, करंट लगी वो, ठीक है। कॉल वूँ तो असलम। हेलो, वालेकुम असलम। हेलो जी, ये जो इसमें आपने नींबू का रस डाले से खट्टा टेस्ट तो नहीं आएगा? नहीं, खट्टा टेस्ट नहीं आएगा। असल में इसको प्रिजर्व करने के लिए लेमन जूस डाला है मैंने। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप कम कर दें, ठीक है। हेलो, ये देखिए टीवी के करीब होके आप लोग बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि लाइन ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, अब इसको हम चेक करेंगे, इसको घुमाएं अच्छी तरह। ये हमारी जैम तैयार हो गई है। अब इसको दोबारा चेक करते हैं एक स्पून से, ठीक है। एक चमचों खड़ी इनके चेक करना से, यहाँ पे मैं एक स्पून से डाला और ये दोबारा देखें ड्रॉप कर रहा हूँ। ये देखें अभी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये ठंडी होके और भी जम जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप देख रहे हैं अब नीचे की तरफ बिल्कुल जैम की तरह इसका शेप आ गया है, पहले पानी की तरह नीचे जा रही थी, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया है इसका मैंने, इसको ठंडा करेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर। ठंडा करने के बाद आपने इसको सर्व करना, या मीन्स के बोतल में भर के रखना है। अभी मैं इसको सर्व करने के लिए एक बॉल में निकाल रहा हूँ, आप पतीले में ही छोड़ दें भले, कोई मसला नहीं है। ठंडी हो जाएगी तो फिर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखें हमारी मैंगो जैम शाइनिंग कितनी आ रही है। अच्छा, ठंडी होने के बाद थोड़ी और भी टाइट हो जाएगी, ठीक है। थदी थियण का पोई वधिक थोड़ी टाइट थी वेंदी, हींअर थोड़ी पतली लगंदी हूँ तव्हांखे, ठीक है। ये हो गई, और कुछ ठंडी करके मैं लगाऊंगा ब्रेड के ऊपर। इसको रखते हैं प्लेटर में, दो ब्रेड के स्लाइस पे भी स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे कुल्फी। ये देखिए हमारी मैंगो जैम, पूरा एक जो बॉटल मिलती है उस क्वांटिटी में ये बनी है, ठीक है। और इसके बाद ब्रेड के दो स्लाइस लेते हैं, इस पर भी स्प्रेड कर देते हैं। मैं तो गरम इसलिए कि आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ठंडी करके यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये मैंगो जैम हमारा तैयार हो गया, और इसकी फरमाइश भी आई थी जब हम केरी का वीक कर रहे थे, और पेज पे भी थी, और पेज पे ही अपलोड हो जाएगी रेसिपी, ठीक है। ये 15 दिन आप चला सकते हैं आराम से, 15 दिन बाद आप फिर दोबारा अगर डेली यूजेज में है, ठीक है। कॉल बटूँ तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छत्ता से बात कर रहा हूँ, फैसल भाई जी। जी, ये जो आपने केक बनाया है ना, ये तो ओवन में आपने बताया, थोड़ा जरा समझाया तो इसको फ्राई पैन में या किस में? पतीले में बनेगा वो, मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, दो तीन दफा मैं बता चुका हूँ, पतीले में दोबारा भी बता देता हूँ, आप टीवी की तरफ चले जाएं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये जैम ठंडी करके आपने यूज़ करनी, गर्म नहीं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए, टाइम इतना नहीं है, तो डिस्प्ले के लिए केक पे इस पे स्लाइस पे स्प्रेड कर रहा हूँ मैंगो जैम। ये हमारा हो गया मैंगो जैम तैयार, इसको रखते हैं टेबल पे। ज़बरदस्त ही रेसिपी, मैंगो जैम ज़रूर ट्राई करजो, आई सुबाने 12 वगे रिपीट में भी हलंदो, ठीक है। ब्रेक ते वञूं पिया, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक केक हमारा बन रहा है मैं ब्रेक के बाद आके पूरी रेसिपीज रिपीट कराऊंगा और पूरा तरीकेकार पतीले का, वो ब्रेक के बाद बताते हैं। वटू देवी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई, मैंगो जैम ठाही आहे, ठीकु आहे। मैंगो जैम बना के मैंने रख दी है, इसको आपने ठंडा करना है, फिर जिस जार में डालना है प्लास्टिक का हल्का वाला जार यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का लें, उसको स्टरलाइज कर लिया करें, या शीशे का जार भी लेते हैं तो, या जैम की बोतलें घर में खाली होती हैं उसको एक दफ़ा बॉयलिंग पानी में डाल के निकाल दें, स्टरलाइज हो जाएगी, फिर उसको बिल्कुल ड्राई करें कपड़े से पोंछ के,
फिर आपने ठंडी करके रूम टेम्परेचर पर उसमें भर के रख दें, फ्रिज में रखें, क्योंकि वो जो बाहर कंपनीज की मिलती हैं वो दो दो साल तीन तीन साल की एक्सपायरी, ये होममेड होती हैं तो इसको हम ज़्यादा नहीं चला सकते, एक महीने तक आप रखें। अगर आपने छः महीने तक भी रखनी तो आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, बाहर नहीं रख सकते। फिर आप ज़्यादा बल्क में बना के रखें, अभी आम का सीज़न तो तीन चार महीने चलता रहेगा, जब तक इसको इन्जॉय करें, जब ख़त्म होने वाला फिर ज़्यादा बना के आप रख लें, ठीक है। केक की जो रेसिपी है वो भी रिपीट करा रहा हूँ, केक का तरीका क्या और क्या है जो भाई ने अभी कॉल की थी कि पतीले में किस तरह बनाते हैं, फ्राइंग पैन में तो बनता नहीं, बड़ा पतीला लें, जैसे दो तीन किलो के राइस का पतीला होता है, उसके अंदर नमक एक किलो का पैकेट होता है, नमक की थैली खोल दें, चूल्हा तेज़ कर दें, नमक गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, ढक्कन लगा दें, ठीक है, 10-15 मिनट छोड़ दें, वो प्री हीट हो जाएगा यानी गर्म हो जाएगा पतीला। स्टैंड होते हैं स्टील के जिसके ऊपर पतीले हम उतार के रखते हैं चूल्हे से, इस तरह के छोटे साइज़ के स्टैंड मिलते हैं, ठीक है, दूध वगैरह रखते हैं पतीले के, वो अंदर रख दें स्टैंड, ताकि नमक से थोड़ा ऊपर हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, गैप आ जाएगा। फिर उस स्टैंड के ऊपर जिस सांचे में आपने केक डाला है वो सांचा सिल्वर के भी मिलते हैं, जो बर्फ़ जमाने के सिल्वर के सांचे होते हैं गोल वाले, अगर ये नहीं है कंटेनर तो वो ले लें, उसको ग्रीस करके उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो रखें, पतीले को ढक्कन दे दें 30 से 40, यहाँ पे ओवन का 30 से 35 मिनट टाइम रखा है, अभी 20 मिनट हो चुके हैं इसको, ठीक है, लेकिन जो पतीले में बनाते हैं 50 मिनट तक भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका 30 मिनट में ही बन जाए, उसमें टेम्परेचर का फ़र्क होता है। चूल्हा आपने मीडियम रखना है, पहले तो तेज़ था लेकिन जब केक रखेंगे फिर मीडियम कर दीजिएगा, ढक्कन रख दें 20 से 25 या 30 मिनट के बाद, आप 20 मिनट के बाद कम से कम 25 मिनट गुजर जाएं, फिर आपने छुरी की नोक से उसको चेक करें, गीला आ रहा होगा नोक तो फिर उसको दोबारा छोड़ दें, फ़ौरन कवर करें, बहुत देर तक उसका कवर हटा के नहीं, हल्का सा फ़ौरन चेक करके कवर कर दें, फिर उसको पकने दें, इसी तरह बेक होने दें, 50 मिनट तक भी जा सकता है, 1 घंटे तक भी जा सकता है, ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, और फिर आखिर में दोबारा एक दो दफ़ा चेक करेंगे, जब बिल्कुल छुरी की नोक खुश्क आ रही होगी तो आपका केक तैयार होगा, गीली आ रही होगी तो कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकालेंगे बैठ जाएगा केक, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। केक जो तरीको चाहे पतीलो खणन दो वडो उनके अंदर लूण जी थैली खोले वजे जो उनके गरम का जो 15 मिनट चंगो गरम थी उनके मथा स्टैंड रखी छो अंदर उनके मथा जो केक ठाईंदो जो प्याले में विझो पे सिल्वर जो या स्टील जो या एल्युमिनियम जो उनके अंदर तुम विझंदो रखी पतीले के ढक दीजो 40-50 मिनट भी लगी सकन था। ओवन फास्ट हों इलेक्ट्रिक हों गैस ओवन इनमें फ़र्क हों पतीले में छुरी जी नोक से 25-30 मिनट के दौरान चेक कजो नोक उनकी आली अचे पई वरी उनके रखो वरी 10-15 मिनट का चेक कर जो खुश्क अचन लगे सफा अंदर केक तैयार हों उनके कढ़ी वो थदो कर स्लाइसिस कर सर्व कजो, ठीक है। केक की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, हमने लिया एक कप जितना पूरा केक का पल्प, अगर रेशा आ रहा है इसके अंदर तो उसको छान लें, ठीक है, वो डाला प्याले में, उसमें आपने डालना 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और उसके बाद आपने डाल देना है इसमें चीनी पिसी हुई 5 खाने के चम्मच, अच्छी तरह 3-4 मिनट तक मिक्स करें, उसके बाद वनीला एसेंस या मैंगो एसेंस मिलता है वो डाल दें। कॉल लेते हैं पहले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कौशल बात कर रही हूँ जी, बेचार मजबूर होकर मैंने आपको कॉल की जी, मैं कुकिंग हर शो पे देखती हूँ तकरीबन, ठीक है, मगर आपके समझाने का अंदाज अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ हद नहीं, इतनी आसान तरीके समझाते हैं कि मतलब इजी समझ में आ जाते हैं, बिल्कुल यही कोशिश होती है। हाँ, और चैनल तो इतने नहीं समझा, तो आप वैसे भी कम से कम में बताते हैं, इन्हें ज्यादा बखेड़ा हो ये वो, आपका प्रोग्राम बेहद पसंद है, बेहद पसंद, और मैंने मांडे की तरह की भी आपकी देखी थी, किस चीज की मांडे बनाए थे आपने, मांडा बनाया था जी, वो भी देखी थी मैंने, मैं आपके पास आपका चैनल मैंने लगा दिया तो आप ये भी दिखा रहे थे, तो मेरे साथ में ट्राई करूंगी जी, जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा, बस ये समझ लें, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अपना बहुत सारा मैं आपको तरफ मजीद जितना प्रोग्राम करते हैं आपके चैनल भी आ रहा है, उर्दू स्पीकिंग है मगर आप दोनों में बात करते हैं, आपका अंदाज बहुत प्यार है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाक। अच्छा एक मुझे चाहिए थी, ज़ाफ़रानी बिरयानी बनती है ना, ज़ाफ़रानी बिरयानी, उसमें चीनी भी डलती है, मैं उसमें हाँ थोड़ी सी डलती है चीनी, ऊपर से जब दम पे हम लगाते हैं ना उस वक्त डाल दिया करें, हाँ अगर हो सके तो बताना सिखाइएगा, इंशाल्लाह मैं नोट कर लेता हूँ, 1-2 वीक के बाद बनती है खान में शायद जी, मटन में ही बनती है, ठीक है, वो इंशाल्लाह 1-2 वीक वेट कर लें, ये 1 वीक निकल जाए, इसके बाद फिर कुछ आइटम्स बनाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जज़ाक, थैंक यू, आप इतना सिखाते रहे लोगों को फायदा पहुंचा, आमीन आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें डालना है मैंगो एसेंस, ये येलो कलर का मिलता है, यहाँ पे जितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बड़े बड़े सिटीज़ में वहाँ पे हर फ्लेवर के एसेंस आ रहे हैं, नहीं है तो वनीला एसेंस डाल दें 1 चाय का चम्मच, ठीक है,
उसके बाद बेकिंग पाउडर डालना है एक चाय का चम्मच, मिक्स करते जाएं, साथ साथ छोड़ना नहीं है। इलायची का पाउडर डाल दें, तक 20 दाने इलायची के लेके उसको पीस लें, वो पाउडर बन गया, वो डाल दिया। फिर सूजी 5 खाने के चम्मच डाल दिया, मिल्क पाउडर 5 खाने के चम्मच डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स करते रहें 5 मिनट तक। विस्क हाथ से करना, हैंड बीटर से, हाथ से विस्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आधा कप दूध में 1 खाने का चम्मच भर के लेमन का जूस डाल के छोड़ दें मिला के, थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन सा आ जाएगा, फटेगा नहीं दूध, ठीक है। फिर वो दूध आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा ये बिल्कुल। फिर मोल्ड जो है उसको ग्रीस करके उसके अंदर डाल दें और इसको फिर आपने 35-40 मिनट में बेक करना। अब दोबारा चेक करता हूँ छुरी की नोक से, क्योंकि अब हमारे हो गए 25 मिनट इसको, ठीक है। थोड़ा सा अभी अंदर से गीला है, ऊपर से डार्क हो गया है, ब्राउन हो गया है, अंदर से गीला है, ठीक है। इसको फिर 5 मिनट के बाद, अभी 25 मिनट में 30 मिनट हो जाएंगे, तो मैं इसे निकालूंगा, फिर इसको ठंडा करके, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें सूजी डली हुई और मैंगो का फ्लेवर आएगा, ठीक है। इस तरह आपने बनाना है, बहुत ही मज़े का ये केक बनेगा। आई हाणे हिंजो मां टेम्परेचर थोड़ो डाउन किया पर, ठीक है, ताकि मत्था का ब्राउन ना थे। मैंने टेम्परेचर इसका थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, 160 पे लेके जा रहा हूँ, और बस अभी तैयार हो जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। और अब हम बनाते हैं मैंगो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी के लिए भी पल्प मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है। 2 कप हमने लेना है, जूसर मशीन ले लें या चॉपर ले लें, दोनों में आप बना सकते हैं। मैं चॉपर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंगो कुल्फ़ी ठाहूँ पिया, मैंगो आइसक्रीम इंशाल्लाह पर ही ठाहींदासी, परसों सैटरडे को हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना है 2 कप से 2.5 कप जित, बल्कि 3 कप कर दें मैंगो पल्प। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी कमर बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है। फैसल भाई से बात करनी थी। फैसल बात कर रहा हूँ। अच्छा फैसल भाई, एक आपसे मालूमात लेनी थी। बोलिए। एक मेरे दोस्त थे सिंध के, और उनके यहाँ मैंने जो है वो सफेद चावल के साथ पोटैटो खाया था, चिप्स वाला। अच्छा वो बिल्कुल ड्राई होता है, उसके अंदर जो है ना वो जीरा ही बस, और बिल्कुल चिप्स की तरह बनते हैं, बिल्कुल ड्राई होते हैं, ऊपर से सिर्फ नमक डला होता है या हरी मिर्च साथ फ्राई हुई होती है, वो वाले आप कह रहे हैं? जीरा डला हुआ होता है। जी जीरा डला हुआ होता है फसल भाई। ठीक है, उसका तरीका मैं बता देता हूँ अभी, तो आप लोग बना दीजिए, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। 3 कप हमने लेना है यहाँ पे पल्प मैंगो का, ठीक है। टे कप असां खणंदासीं मैंगो पल्प, यानी गूदो अंब जो, फ्रेश क्रीम जो एक पैकेट वेंदो, फ्रेश क्रीम का एक पूरा पैकेट 200 ml होता है, ये डालेंगे, ठीक है। फ्रेश क्रीम एक पैकेट 200 ml का मिलता है, ये पूरा डाल दें। ये हम बना रहे हैं कुल्फ़ी, आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम परसों बनेगी सैटरडे को, ठीक है। ये पूरी क्रीम डाल दी इसके अंदर 200 ml। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप से थोड़ा कम दूध, ठीक है। 1 कप से थोड़ा 3/4 कप कर दें, मीन्स के 70% ले लें दूध, ठीक है। 1 कप का थोड़ो घट करी वटो खीर, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम, 2 कप असाइन में सॉरी 3 कप अंब जो गूदो विधो है, हिते आए फिको माओ अध पाओ, फीका खोया आधा पाओ, ठीक है, आधा पाओ फीका खोया डाल दिया। कॉल वटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, माचली माचली मन की बात है, कब वादा जी? जी जी छा लेन अगर यो दास मच्छी कदी छायो जे बाप दे चढ़ दिया है छा छे दास दास मच्छी ने फिर दास मच्छी जे की बाप दे चढ़ दिया है घर में मच्छी ता हने नथी ठई सके सीजन भी ना है मच्छी जो ब्रीडिंग जो सीजन है ता ब महीना ता मच्छी ता ता बिल्कुल विसरी वना ब महीने का इंशाल्लाह अच्छा असान दे शहर में मिले थी कदे यो मजे चारे दिखा रहे हो दास वाली जे की मुझे पेज ते वो मैं समझी में हम स्टीम वाली ता मुझे पेज ते अली वनो कुकिंग विद शेफ से मुझे पेज है उते रेसिपी ता के मिली विंदी ठीक है ठीक है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ छाकाणि त फिश असां पूरो वीक कयो हो रमज़ान खां पहिरीं अच्छा इसका ऊपर से तो कलर डार्क आएगा ये ठंडा होगा तो जब इसको कटिंग करेंगे तो फिर ये बिल्कुल अंदर से वैसे निकलेगा इसको फिलहाल मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि ये एसी के करीब रहेगा तो ये ठंडा होगा फिर इसके स्लाइसेस कटिंग करके निकालेंगे ठीक है 3 कप मैंगो पल्प 1 पैकेट फ्रेश क्रीम 200 ml वाला आधा पाव हमने इसमें डाल दिया है खोया फीका ठीक है अब डबल रोटी के 2 स्लाइस लेंगे ब्राउन एजेस के साथ इसको हाथ से इस तरह तोड़ तोड़ के डालें 3 कप विधियान में अंब जो गूदो विधो है ठीक है पेस्ट करे छो अंब जो
उनमें अध पाव माओ फिको मिली वो डबल रोटी से क्या होता है इसमें रेशा बनता है जो कुल्फी के हम कुल्फी खा रहे होते हैं तो उसमें एक रेशा सा आ रहा होता है बड़ा मज़े का मलाई के साथ तो वो इस ब्रेड से ही आता है ठीक है। ये हमने पहले भी कुल्फा बनाया था उसमें भी डाली थी। ये दो स्लाइस मीडियम साइज़ के लेने छोटे हैं तो तीन कर लीजिएगा ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे एक कप सॉरी कंडेंस मिल्क बनाना मैं चीनी डालने लगा कंडेंस मिल्क बनाना सिखाता हूँ वो इसमें ऐड करेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा कंडेंस मिल्क बना रहे हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए एक कप दूध आधा कप चीनी। कंडेंस मिल्क बहुत इजी होता है आप बना लें एक कप दूध आधा कप चीनी ठीक है। एक कप दूध और इसमें चीनी चाहिएगी आधा कप अध कप खंड एक कप चीनी और आधा कप दूध मैं इसमें वैसे ही डाल लूँ ठीक है। आधा कप दूध हम वैसे भी डालेंगे इसके अंदर ताकि लिक्विड इसका बैलेंस हो जाए। अब इसको इतना पकाएंगे कि कंडेंस मिल्क बन जाएगा ठीक है। चूल्हे पर इश्यू जब इतने टाइम था इसको हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और ये कंडेंस मिल्क बन जाएगा ठीक है। हम बाहर से अगर लेते हैं 160-180 का छोटा सा उसका कंटेनर मिलता है आप घर में बनाएं बिल्कुल ज़बरदस्त सा उसी क्वांटिटी में बन जाता है 150 ml बनेगा ये तकरीबन जो हम 170-180 का लेते हैं कंडेंस मिल्क ठीक है। क्या है सिर्फ एक कप दूध आधा कप चीनी इसको आपने इतना पकाना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी दूध गाढ़ा हो जाएगा कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। जब तक वो तैयार हो रहा है इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर 1/4 teaspoon जर्दे जो रंग चौथों चाय जो चमचो जस्ट हिन करे छा करता है इनमें कलर ॾियण लाइ ब्रेड वञे पई खीर वञे पियो माओ वञे पियो त उनखां कलर थोरो फिको थी वेंदो त उनजो येलो कलर ॾियण लाइ थोरो ज़रदे जो रंग विधो आहे। हाणे हिनमें विझंदासीं लीमे जो रस लेमन जूस डालेंगे 1 teaspoon ठीक है। लेमन का जूस जाएगा 1 teaspoon हिकु चांहि जो चमचो लीमे जो रस हिनमें हली वेंदो। खटास नहीं आएगी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस एक चाय का चम्मच लेमन का जूस डाल दिया ठीक है और इसमें कंडेंस मिल्क डाल के फिर हमने इसको चला लेना। सांचे मिलते हैं कुल्फियों के वो ले लें अगर वो नहीं तो ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलते हैं छोटे वाले वो ले लें उसमें लगा के और बड़े से बॉक्स में रख के ऊपर से या तो एल्युमिनियम फॉइल लगा लें या फिर कवर करके बॉक्स में उसको रख दें फ्रीज करें 12 से 15 घंटे में आपकी कुल्फी तैयार हो जाएगी। अच्छा मैंगो फालूदा भी बना रहे हैं इस वीक में मैंगो कस्टर्ड है मैंगो फिरनी है मैंगो सालसा होता है एक सैलड होता है बड़ा ज़बरदस्त वो बनाऊंगा ठीक है। मैंगो आइसक्रीम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंगो की और मैंगो बर्फ़ी है उसके अलावा भी चीज़ें नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे लिस्ट काफ़ी लंबी है। कॉल बटूँ था अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदी कह रहे हैं कितना गलाओ पे आप रसगुल्लन जी रेसिपी रसगुल्ला त मूं ठाहिया ई कोन्हे नना ताईं छाशे अदी मूंखे तव्हांजी आवाज़ सम्झ न पई अचे तव्हां चओ छा पिया तव्हां कीअं ठाहिया ज़रा ॿुधाइजो मूंखे शीरे में विधा हुआ पोइ कीअं ठाहिया हुआ तव्हां खीर खे फाड़े लीमो विझी उहो ठाहिया हुआ या कंहिं ॿिए तरीक़े सां लेकिन उहो तव्हां बॉइल छा में कयो हुनखे बॉल्स ठाही हलो तव्हां कीअं ठाहियो मूंखे तरीक़ो त ॿुधायो न कीअं सख़्त थिया त मां हिते ई ॿुधाए छॾियां तव्हांखे सूजी जा न ठहंदा आहिनि तव्हांखे कंहिं ॿुधायो की सूजी खां ठहंदा आहिनि हलो ठाहिण सेखारंदासीं तव्हांखे ठीकु आहे ओके जी। अच्छा इसमें झाग सी बन रही है ये अच्छी तरह इसमें स्पून चलाते जाएंगे कलर इसका चेंज हो रहा है गोल्डन कलर आने लग गया है ठीक है गोल्डन कलर इसका आने लग गया है जब इसका गोल्डन कलर आएगा ये देखिए इस तरह करके ये कंडेंस मिल्क हमारा बन रहा है बिल्कुल इनमें झाग अच्छे पे चमचो ना ही छड़ो साइड्स हटाइंदा रहे जो सड़े ना ठीक है ये दिखार जो साइड्स हटाते जाएंगे और ये देखें इस तरह ये झाग आती जाएगी और इसको बनाते रहें इसका कलर बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा लेमन सा येलोइश कलर होने लगेगा क्रीम सा कलर जैसे होता है ना बोस्की कलर उस तरह का हो जाएगा जो को मिल्क कंडेंस मिल्क का कलर होता है।
ये गाढ़ा हो जाएगा, लेस बन जाएगी, आपको अंदाज़ हो जाए। इस तरह उठा के देखें, अभी थोड़ी इसमें कसर बाकी है। ब्रेक में कितना टाइम है साझे खालिद भा? आप बताइए शुरू। अच्छा, ब्रेक जो टाइम थे पे, वो कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, कंडेंस मिल्क को चेक करने का तरीका ये देखें, ये बिल्कुल अभी थोड़ा इसमें और कसर है, ठंडा होकर बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये देखार जो वेजी का, ये देखें इस तरह आपने उठाना है और इस तरह देखना, ड्रॉपिंग इसकी आप देखें कंडेंस मिल्क की तरह हो जाएगी, ये ठंडा करने से और ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल वही कलर आ गया। इसको मैं ठंडा कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके इसको हम कुल्फी में डाल के कुल्फी बनाएंगे और सांचों में डाल के आपके सामने सर्व करेंगे। बट उतर श्योर में ब्रेक अप हो चिकन। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको केक ठाहियो ऐं जैम ठाहियो उहो तयारु थी वियो। हाणे कुल्फी ठाहियो पियो, कुल्फी जी रेसिपी मां पूरी रिपीट करायां पियो। ठीकु आहे, कुल्फी की रेसिपी पूरी रिपीट करा रहा हूं, जहां से मिस हो गई हो आप लोग वहां से दोबारा कंटिन्यू कर लें। सबसे पहले मैंगो पल्प लेना है 3 कप। ठीक है, उसमें हमने डाल देना है 1/2 कप दूध, टेट्रा पैक डाल दें या बॉयल ठंडा दूध डाल दें, और फीका खोया 1/2 पाव डालना है, 2 बड़े स्लाइस डबल रोटी के, छोटे हैं तो 3 डालने, हाथ से तोड़ के बिल्कुल बारीक बारीक करके। ठीक है, फिर उसके बाद कंडेंस मिल्क जो मैंने बनाया है उसके लिए हमने लेना है 1 कप दूध, 1/2 कप चीनी, उसको अच्छी तरह पकाना है, बिल्कुल कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये दिखा जो उन्हें देखें कि बिल्कुल वही कंडेंस मिल्क बना है जैसा हम मार्केट से लेके आते हैं, रखने से ये गाढ़ा हो जाता है। और ये देखें, इसकी ड्रॉपिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कंडेंस मिल्क तैयार हो गया। ठीक है, ये कंडेंस मिल्क वठण की ज़रूरत न है, पाण ठाहींदा कयो, सस्तो पए थो, 20-30 रुपए में ठही वेंदो, 12 खां 180 जो मिले थो हिन क्वांटिटी में अगर तव्हां वठो था, 1 कप खीर ऐं 1/2 कप। ठीक है, ये कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा, जर्दे का रंग, येलो फूड कलर थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया है कलर देने के लिए। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें मैंगो एसेंस है मेरे पास, अगर ये नहीं है तो इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा, 1 चाय का चम्मच मैंगो एसेंस डाल दिया। ठीक है, और फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट डाल दिया। अब कंडेंस मिल्क है ये, मैं 1/2 कप जितना इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, 1/2 कप कंडेंस मिल्क जंदा सी जंदा पूरो, 1/2 कप ये कंडेंस मिल्क, क्योंकि दूध ड्राई हो गया था तो पूरा अच्छी तरह उतार के आप इसको बना के फ्रिज में रख दें। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, अगर 1/2 किलो बनाना, 1/2 किलो दूध में 1 पाव चीनी डाल के भी आप बना सकती हैं, और उसको फिर आप फ्रिज में रख दें, काफ़ी दिनों तक वो आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, 1/2 किलो खीर, 1 पाक खंड सां गॾु बि तव्हां ठाही सघो था कंडेंस मिल्क, वधीक बल्क में अगरि तव्हां वधीक यूसेज में आहे त पोइ उनखे फ्रिज में रखो ऐं पोइ तव्हां यूज़ करे सघो था। ये पूरा निकाल दें इसके ऊपर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो चिपक जाती हैं चीज़ें कंडेंस मिल्क वगैरह इस तरह के, उसको गर्म पानी डाल के बॉयल करें तो वो पतीला जो भी होगा सारा साफ़ हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको चला लेना है। कुल्फी तैयार, ठीक है, मैंगो कुल्फी असांजी तैयार थी वई, ऐं ही तक़रीबन काफ़ी सारा हिन में कुल्फियूं ठही वेंदियूं, नंढा सांचा आहिनि त पोइ तव्हां 12 ठाही सघो था, जेतिरी तव्हांखे, अगरि तव्हां ग्लास न आहिनि, तव्हां अगरि कंटेनर में विझी रखंदो बॉक्स में त पोइ हे मैंगो कुल्फा थी वेंदो। ठीक आहे, कुल्फी थींदी आहे स्टिक सां गॾु ऐं कुल्फा, इस तरह के ये ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल जाते हैं डिस्पोजिबल, ये ले लें, ये स्टील के छोटे छोटे ग्लास हैं, बड़े ग्लास में जिस तरह आपको अच्छे लगे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ग्लास में डालना शुरू करते हैं, फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। स्टिक्स इसमें लगेंगी, स्टिक लगाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, फ्रेज करेंगे, वो तरीका ही बताता हूँ। ठीक है, 6 ये हैं मेरे पास, बड़ी वाले मोल्ड हैं, छोटी की कुल्फियाँ बनाएंगे तो 12 बनेंगी, 10 से 12 बनेंगी, इक्वल क्वांटिटी में इसको डालें, और अगर बॉक्स में बना के रखेंगे तो वो मैंगो कुल्फा बनेगा। ठीक है, वो मैंगो कुल्फी नहीं कहलाएगी। आइसक्रीम का डिफरेंट है,
मेथड वो इंशाल्लाह सैटरडे को बनाएंगे। क्लियर कयूं था साइड्स नंजा ऐं हुन खां पोइ अंदर स्टैंड वो लॻाईंदासीं ऐं हिन खे बॉक्स में भरे तव्हां रखंदो या कोई अहिड़ो बॉक्स हूंदा आहिनि घर में प्लास्टिक जा हुनजे अंदरि रखिजो। ठीकु है, किनारे साफ़ कर दें टिशू से। ये हो गया कुल्फ़ा। कल हम बनाएंगे मैंगो बर्फ़ी, मैंगो स्क्वैश और उसके साथ मैंगो सालसा, यानी सैलड है मैंगो की और एक कोई और चीज़ देखता हूँ या तो फिरनी या कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, चार चीज़ें कल इंशाल्लाह बनाएंगे। बहुत सारी वैरायटी है मैंगो की, मैंगो का सीज़न है, सस्ते भी हो गए आम, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कुल्फ़ी की स्टिक्स मिलती हैं, अगर ज़रूरी नहीं कुल्फ़ी के सांचे मिलते हैं स्टिक के साथ कवर वाले, आप वो ले लें, मेरे पास ये स्टिक्स मौजूद हैं, ये आप इस तरह इसके अंदर लगाएं। ठीक है, ठीक है, हे कुल्फ़ी जी स्टिक्स ना हिन तो पोइ तव्हां जेको कुल्फ़ी जा सांचा मिलंदा आहिनि कवर सां गॾु स्टिक वारा, जंहिं बि तरीक़े सां तव्हां हिनखे ठाहिणु चाहियो ठाही सघो था। ठीकु आहे, अब इसको हम रखते हैं टेबल पे, ये हमारी हो गई तयार। अच्छा, इसको रखने ये इसी तरह फ्रीज़र में नहीं जाएंगी, एक बॉक्स लें बड़ा कवर वाला, या बॉक्स में कवर नहीं है तो उसके बॉक्स के अंदर ही सारे रखें, ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल लगा दें या कोई ऐसी चीज़ लगा दें या कवर कर दें, उसको फिर फ्रीज़र में रखिएगा वरना ऊपर से आइस जम जाएगी इसके ऊपर। ठीकु आहे, हिन खे तव्हां छा कंदो, हिन खे तव्हां बॉक्स जे मथां लॻाईंदो, रखंदो बॉक्स जे अंदरि ऐं हुन खां पोइ तव्हां हिनजे मथां एल्युमिनियम फॉइल आहे त उहो लॻाए छॾिजो, का शइ खां कवर करे हिनखे फ्रेस कजो, बिल्कुलु ईअं न रखिजो वरना हिनजे मथां बर्फ़ ॼमी वेंदी। ठीकु आहे, इहा हमारी मैंगो आइसक्रीम हो गई, सॉरी मैंगो कुल्फ़ी हो गई तयार। 12 घंटे बाद आप इसको आराम से निकाल के सर्व करें, मैंगो फालूदा भी बनाएंगे। इस तरह की बहुत सारी वैरायटी है, केक हमारा हो गया तैयार और ये हमारी हो गई मैंगो जैम। ठीक है, कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें उसको और शेयर करें रेसिपीज़ को, और पेज पे जाएं वहाँ पे लाइक करें, मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल, वहाँ पे भी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल की रेसिपी देखेगा, पूरा मैंगो वीक इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे बहुत सारी वैरायटी के साथ। जैम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिनकी फरमाइश थी जैम की कुल्फ़ी की मैंने कंप्लीट कर दी। ठीक है, पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो, इंशाल्लाह सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ फैसल जो पेज ते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सब्सक्राइब कयो, नंढी घंटी हूंदी आहे बेल आइकन जी, उहो दॿाईंदा कयो, उनखां शेयर कंदा कयो रेसिपीज़ खे। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी नई रेसिपी सां गॾु, तेसिताईं दुआ में हथ रखिजो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।